दोस्तों, आज हम आपको एक फोन डायलर का बहुत ही बढ़िया ट्रिक बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके फोन में जो फोन डायलर होता है, उस फोन डायलर के अंदर में आप एक से बढ़कर एक डायलर बटन लगा सकते हैं, बटन साउंड को चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड में फोटो लगा सकते हैं, बटन एनिमेशन लगा सकते हैं, कलर फिल्टर कर सकते हैं, यानी कि आज आप अपने फोन के डायलर पैड में सब कुछ कर सकते हैं, देख सकते। तो फ्रेंड, इस ट्रिक को सीखने के लिए सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ यहाँ नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन पर दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ पर घंटी के बटन पर दबाकर ऑल के ऊपर में क्लिक कर देना है। और देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पे डायलर बटन है, जब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारे डायलर बटन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इनमें से आप कोई भी डायलर बटन लगाना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देखते हैं बैकग्राउंड का ऑप्शन है, तो यहाँ पे जैसे ही बैकग्राउंड पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि माई फोटो, यदि अपना फोटो लगाना है तो यहाँ पर क्लिक करके लगाइए, नहीं तो यदि आपको किसी और का लगाना है, गर्ल्स का लगाना है, ट्रेंडिंग का लगाना है, तो मान लीजिए किसी गर्ल्स का फोटो लगाना है तो देखिए, जैसे मैं गर्ल्स पे क्लिक करें तो यहाँ पे बहुत सारी आपको यहाँ पर फोटो देखने को मिल जाएगी, बहुत सारी फोटो पहले से दी हुई है यहाँ पर, यानी कि आपको इसमें से कोई भी फोटो पसंद आ जाता है और आप चाहते हैं कि अपने डायलर पैड में लगाना, तो इसके ऊपर में सिर्फ एक बार क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पे सेट बैकग्राउंड का ऑप्शन आएगा और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके डायलर पैड में ये फोटो लग गया, देखिए, देख सकते हैं दोस्तों कि इस डायलर पैड में यह फोटो लग गया। और यहाँ पे जब आप नंबर डालेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके फोन के सारे कॉन्टैक्ट भी आ गए हैं। यदि आप इस बटन को चेंज करना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे डायलर बटन का जो ऑप्शन है, यहाँ पे बहुत सारे बटन आपको देखने को मिल जाएंगे, इनमें से आपको जो भी बटन रखना है उस पर सिंपली क्लिक कर देना है और आपको फोन डायलर पे क्लिक कर देना है। देख सकते हैं देखने में बहुत ही खूबसूरत अब आपका डायलर पैड लग रहा है। आप अपना भी फोटो यहाँ पर लगा सकते हैं, किसी को कॉल भी करेंगे तो डायरेक्ट आप यहां से किसी को कॉल कर सकते हैं, 1218 कुछ भी नंबर डाल करके आपको यहां से कॉल कर देना है। अब रह गई बात दोस्तों, यदि आप बटन साउंड को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, कलर फिल्टर भी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, यदि आप अपने बैकग्राउंड में अपना फोटो लगाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर आपको इस गैलरी पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपको अपने फोटो पे क्लिक कर अपनी फोटो ले लेना है। मैं यहाँ से अपनी एक फ़ोटो ले लेता हूँ, देखिए मैं इस फोटो को ले लेता हूँ, ये धर्मेंद्र सर के साथ हमारी फ़ोटो है, तो मैं इस फोटो को यहाँ से ले लेता हूँ। लेने के बाद में मैं क्रॉप करके यहाँ पर देखिए क्रॉप कर लेता हूँ, तो क्रॉप हो गया ना, तब मैं इसके ऊपर में सिर्फ एक बार टिक कर दूंगा और यहाँ पर सेट बैकग्राउंड के ऊपर में क्लिक कर दूंगा। अब मैं यहाँ पर देखिए बैक हो जाता हूँ और इस फोन डायलर पे क्लिक कर देता हूँ, तो देख सकते हैं कि इस फोन डायलर में हमारी फोटो लग गई। इस तरीके से आप भी अपने फोन डायलर में फोटो लगा सकते हैं, इस बटन को चेंज कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। जब भी किसी को नंबर डायल करेंगे तो यहाँ से सिंपली आपको नंबर डायल करना है, जिसका भी नंबर डायल करेंगे उसका नंबर आ जाएगा और आप यहां से डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आप लोगों को यही जानकारी दे रहे थे। अगली बात दोस्तों कि इस एप्लीकेशन को कैसे डाउनलोड करना है, तो दोस्तों इस एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया हूँ, नहीं तो देख सकते हैं कि यही एप्लीकेशन है जिसका नाम है फोटो फोन डायलर। यह एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, नहीं तो प्ले स्टोर से करना है तो कर लीजिए, या नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।